लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को जमानत मिली है। आपको ये बड़ी जानकारी बताते चले, सभी आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी मुहैया कराने के भी निर्देश दिए गए। इंटरिम बेल मिल चुकी है लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव। लैंड फॉर जॉब घोटाले का ये पूरा मामला ईडी क्योंकि लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लालू परिवार को आज समन किया गया था, जिसके बाद लालू परिवार की पेशी होती है और इसी के बाद ईडी के इस पूरे मामले में इंटरिम बेल लालू प्रसाद यादव के परिवार को मिल चुके हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि सीबीआई भी इस पूरे मामले में लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है और सीबीआई के केस में भी एंट्री बेल मिल चुकी है और अब ईडी वाले केस में भी लालू एंड लालू फैमिली को बेल मिली है। सभी आरोपियों को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। मेरे साथ सुमित मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। सुमित, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि इस पूरे मामले में संभावना है कि एंट्री बेल मिल जाए, कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ, इस वक्त क्या चल रहा है? लालू प्रसाद यादव और उनके दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप कोर्ट रूम में इस वक्त भी मौजूद हैं और बकायदा कोर्ट रूम में पेश होने के बाद उनके वकील की ओर से जमानत याचिका लगाई गई। कुल 9 आरोपियों की ओर से ये जमानत याचिका लगाई गई, जिसको कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, उनके दोनों बेटे समेत 9 आरोपियों को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने ईडी से कहा है कि जो चार्जशीट की जो कॉपी है वो सभी आरोपियों को मुहैया कराई जाए। इस मामले की जो अगली सुनवाई जो प्रिया होगी वो 25 अक्टूबर को कोर्ट ने तय कर दी है। तो अब इस पूरे मामले में जो है वो 3 चार्जशीट अब तक दाखिल हो चुकी है। पहली जो चार्जशीट जो दायर हुई थी वो सीबीआई केस में हुई थी और ईडी केस में ये दूसरी चार्जशीट है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट, जिस पर 9 आरोपियों को समन जारी किया था पिछली सुनवाई में, जिसमें सबसे अहम जो नाम थे वो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे थे, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव। इन सभी आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दे दी है। 25 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी, जहां आरोप तय करने की जो प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी इस पूरे मामले में। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत कही जा सकती है। लेकिन सुमित, क्या इसका एक ये भी पहलू है कि फौरी राहत है अभी, क्योंकि ये पूरी लीगल जो प्रक्रिया है आरोप तय करने को लेकर के, ट्रायल को लेकर के, वो भी अब होने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए जमानत को लेकर एक बड़ी राहत है, क्योंकि सीबीआई ईडी ने इस पूरे मामले में क्योंकि जांच कंप्लीट कर ली है, चार्जशीट दाखिल कर ली है, ऐसे में सबूतों और गवाहों को प्रभावित करने का सवाल नहीं उठता है। जब जमानत याचिका आज लालू परिवार की ओर से जब लगाई गई तो ईडी ने जमानत का विरोध भी नहीं किया, क्योंकि इस पूरे केस में लालू प्रसाद यादव के वकील ने कोर्ट को बताया कि ऐसे ही केस में पहले भी जमानत कोर्ट दे चुका है, लिहाजा इस केस में भी मिलनी चाहिए। तो फिलहाल कोई विरोध, जमानत का विरोध करने का कोई ग्राउंड ईडी के पास नहीं था, क्योंकि इस मामले में जांच कंप्लीट हो चुकी है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। यही वजह थी कि कोर्ट ने सभी 9 आरोपियों को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। तो राहत जो है वो फिलहाल के लिए कही जा सकती है, खासकर जमानत के मामले में, क्योंकि इस मामले में अभी 2 प्रक्रिया होनी है। प्रिया, ये समझना बेहद अहम है, पहले आरोप तय करने पर जो है वो कोर्ट आदेश देगा कि क्या जो भी ईडी ने आरोप लगाए हैं क्या वो आरोप तय होते हैं या नहीं, वो कोर्ट तय करेगा। अगर आरोप तय करते हैं उसके बाद ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी, उसके बाद कोर्ट तय करेगा कि क्या इस लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू एंड फैमिली जो है वो आरोपी दोषी है या नहीं, इस पर कोर्ट को फैसला लेना है। तो फिलहाल जमानत को लेकर हम कह सकते हैं कि लालू एंड फैमिली को एक बड़ी राहत है कोर्ट से, क्योंकि सीबीआई के बाद ईडी केस में भी लालू एंड फैमिली को जमानत जो है वो कोर्ट ने आज 2-3 बड़ी बातें जो कि यहां पर समझना होगा। एक तो ये कि क्योंकि सीबीआई वाले केस में भी बेल मिल चुकी है तो इसी वजह से वो एक ग्राउंड भी था। दूसरा ये कि अभी इस पूरे मामले में सिर्फ बेल मिली है, यानी कि एंट्रीम बेल मिली है, और इसके बाद अभी जो पूरी लीगल प्रोसीडिंग है वो भी चलेगी, यानी कि आरोप तय होना और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है और खास तौर पर जो आरोप लगाए गए उसके तहत केस बनता है या फिर नहीं, ये कोर्ट को तय करना है। लेकिन सुमित, ये बताइए, क्योंकि इसके बाद आपने कहा था कि सीबीआई वाला केस भी है जिसमें अब हियरिंग होने वाली है, अब इस पूरे मामले में दोनों केसेस में, यानी हम सीबीआई की बात कर ले और ईडी की बात कर ले, अब जो पूरी प्रक्रिया है वो कानूनी रूप से किस तरीके से बढ़ेगी सुमित? देखिए फिलहाल कोर्ट ने 25 अक्टूबर को तारीख लगा दी है, 25 अक्टूबर को इस मामले में, खासकर जो आज जो मामला लगा था उसमें 25 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी, जहां चार्जशीट की जो कॉपी है तब तक सभी आरोपियों को मिल जाएगी। उसके बाद आरोप तय करने की जो बहस की शुरुआत होगी उसको लेकर कोर्ट समय तय करेगा। जहां तक सीबीआई केस की बात है, 15 अक्टूबर को सीबीआई केस में सुनवाई होनी है, क्योंकि उस मामले में भी सभी आरोपी जमानत पर हैं और आरोप तय करने पर बहस की शुरुआत होनी है।
तो फिलहाल सीबीआई और ईडी अब समानांतर जो केस है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में चलेगा और आरोप तय करने पर कोर्ट आदेश देगा कि क्या जो भी ईडी ने और सीबीआई ने जो आरोप लगाए हैं क्या वो आरोप कोर्ट की नजर में साबित होते हैं या नहीं, वो उस पर कोर्ट आदेश देगा। अगर आरोप तय हो जाते हैं तब ट्रायल असली में ट्रायल शुरू होगा, उसके बाद क्या लालू प्रसाद यादव दोषी हैं या फिर उन्हें बरी कर दिया जाएगा, इस पर अब राउज एवेन्यू कोर्ट को खासकर दोनों केस में फैसला लेना है। तो फिलहाल जो पहला जो स्टेज है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुका है क्योंकि चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद सभी आरोपी कोर्ट में पेश हो चुके हैं, क्योंकि ये जो ईडी की जो चार्जशीट है ये दूसरी चार्जशीट है। पहली चार्जशीट में राबड़ी देवी और उनकी दो बेटियां थी और इस चार्जशीट में जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव और उनके दो बेटे हैं, तो पूरा परिवार जो है वो कहीं ना कहीं इस मामले में जो है वो कोर्ट में सीबीआई और ईडी के रडार पर है, यानी कि इस मामले में जांच जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब कोर्ट को तय करना है कि जो भी आरोप ईडी और सीबीआई ने लगाए हैं उसमें कितनी सच्चाई है। अभी भी लालू परिवार क्या कोर्टरूम के भीतर मौजूद है इस वक्त, वहां पर क्या चल रहा है, ताजा अपडेट्स या फिर वो वहां से निकल गए सुमित? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल लालू प्रसाद यादव और उनके दोनों बेटे कोर्ट रूम में मौजूद हैं। जो बेल बॉन्ड भरने की जो प्रक्रिया थी उस पर दस्तखत लालू और दोनों बेटों की ओर से उस वक्त किया जा रहा था, तो फिलहाल के लिए कहा जाए कि लगभग सुनवाई जो है वो आज पूरी हो चुकी है। अब से कुछ ही देर में लालू और उनके दो बेटे और समेत 9 जो आरोपी हैं वो कोर्ट रूम से बाहर निकलेंगे और उसके बाद इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो 25 अक्टूबर को प्रिया होगी। सुमित, क्योंकि इस पूरे मामले में हमने देखा था कि ईडी की तरफ से भी पूरे केस में कई सारे इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद कई जगहों पर छापेमारी भी हुई है, जाहिर है कि जब आरोप तय करने की और बाकी की जो लीगल प्रक्रिया की शुरुआत होगी तो तमाम तथ्यों को और खासतौर पर जो डॉक्यूमेंट्स इस दौरान मिले, क्योंकि जांच के दरमियान हमने ये भी देखा था कि ये भी बात निकल करके सामने आई कि कई सारी प्रॉपर्टीज जो कि लालू एंड लालू की फैमिली के ऊपर ट्रांसफर कर दी गई, इन तमाम चीजों को लेकर के कोर्ट के भीतर वो डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए जाएंगे ईडी की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए जो भी चार्जशीट जो दाखिल हुई थी 6 अगस्त को उसी में तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तमाम जो सबूत हैं, तमाम जो गवाह हैं उसकी जो लिस्ट है वो चार्जशीट के साथ ही ईडी जो है वो कोर्ट में दाखिल कर चुकी है। अब उसी चार्जशीट पर कोर्ट जब संज्ञान ले चुका है, प्रमाफेसाई कोर्ट ने माना है कि जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया सच्चाई है। हालांकि कोर्ट अब इस चार्जशीट को एग्जामिन करेगा, दोनों पक्षों को सुनेगा, उसके बाद कोर्ट तय करेगा कि क्या जो भी सेक्शन ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के या फिर भ्रष्टाचार के सीबीआई ने लगाए हैं क्या वो सचमुच में आरोप तय होते हैं या नहीं, ये कोर्ट को अब डिसाइड करना है। देखना होगा कि आगे किस तरीके की तस्वीर सामने आती है। 25 अक्टूबर को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होने वाली है। फिलहाल जो बड़ी खबर है वो ये कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को इस पूरे मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जमानत दे दी गई है, लेकिन अभी भी कानूनी प्रक्रिया है जो कि लंबी चलेगी। बहुत धन्यवाद आपका सुमित, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।